श्रृंखला से विद्यार्थी ध्यान दीजिए, एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि आपकी कॉपी जब चेक हुई टेस्ट पेपर का जो 8 तारीख को लिया गया था 8 अगस्त को, उसमें अधिकांश विद्यार्थी बहुत आसान क्वेश्चन में गलती किए हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें था क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दियर एंगल, एंगल के हिसाब से बताना था कि यह त्रिभुज किस प्रकार का होगा, एंगल देख करके यहाँ बताना था कि दिया गया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है। जैसे ये ट्रायंगल था, ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था और ये 60 डिग्री, एंगल यहाँ पर दिया हुआ है, ट्रायंगल का नाम भी है, तो एंगल यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये तीनों एंगल बराबर है। ऐसा कौन सा त्रिभुज होता है जिसमें तीनों एंगल बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू एंगल के हिसाब से देखना है। तो ऐसा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होता है, समझ रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन था इस तरीके से, क्यू पी क्यू आर था और ये था 125 डिग्री, ये था 25 और ये था 30 डिग्री। अब इसको पहचानना था कि एंगल के हिसाब से कि कौन सा था, तो देखिए एक एंगल 125 है, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जब 90 डिग्री से बड़ा है यानी ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो 90 डिग्री से जब बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे ही हम देखेंगे कि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, ये वो 90 डिग्री है तो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, और एक ही कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा किसी भी त्रिभुज में, दो कोण हो नहीं सकता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स या सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री होना चाहिए, तो एक 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो दूसरा दोनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, समझ रहे हैं, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। थर्ड ट्रायंगल था आपको के एल एम था, इसमें था ए 90 डिग्री, ए 60 डिग्री, ए 30 डिग्री। इसमें सीधा देखना था कि एक कोण 90 डिग्री है, एंगल के इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एल के एम इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कुछ नहीं देखना है, एक कोण 90 डिग्री हो गया तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसी में इस क्वेश्चन में मैं नहीं दिया हूं, एक त्रिभुज और बना रहा हूं, यदि ऐसा रहे DEF ये कोण 90 डिग्री रहे और ये कोण 45 डिग्री और ये कोण 45 डिग्री, देख रहे हैं कोण D बराबर 90 डिग्री और कोण E बराबर कोण F बराबर 45 डिग्री, यहां बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर हो जाएगा, ये साइड भी बराबर हो जाएगा और ये कोण 90 डिग्री भी है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को क्या कहेंगे, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल भी है ट्रायंगल भी है और आइसोसेल्स भी है, दो भुजा इसकी बराबर भी है, चूंकि दो कोण बराबर होने के चलते दो साइड भी बराबर है और एक कोण 90 डिग्री है, तो ये स्पेशल केस है, तो ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल तो है ही है, आइसोसेल्स भी है, इसकी दो भुजा बराबर भी है, डी बराबर ई एफ, डीई बराबर ई एफ, इसलिए आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यदि ये देता तो और किसी से नहीं बनता, एंगल के हिसाब से आप बांट लेते हो। तो ये क्वेश्चन में देखा कि अधिकांश बच्चे गलती किए हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा बता दिया, और ऐसे तो मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया था एग्जाम के जस्ट बाद, समझे, ठीक। अब आइए अपना सिलेबस पर, चैप्टर 6 सिलेंडर, आपको उसमें बताया जा रहा था थ्री डायमेंशनल शेप, तो सिलेंडर शेप में क्या होता है, उसमें मैं क्या बता रहा कि आप कोई आयताकार पेपर लीजिएगा,
लंबाई के अनुदिश मोड़िएगा चाहे चौड़ाई के अनुदिश मोड़िएगा आपको इस प्रकार का बेलन बन जाएगा। उस दिन मैं बना के बताया था आपको, फिर मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे कॉफी को हम मोड़ेंगे क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है। यदि हम ऐसे मोड़ेंगे ये लंबाई के अनुदिश हो गया क्योंकि ये इसका लंबाई है, तो यदि लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यदि चौड़ाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ऐसे मुड़ेगा, यहाँ पिन लगा हुआ इसलिए नहीं मुड़ता है। तो मोड़ करके क्या है बेलन बना लेते हैं हम लोग, बेलन घर में भी है, रोटी वाला पिलर जो है मकान में गोल वाला वो सब क्या है बेलन है। तो इसमें क्या हो जाता है, अब इसमें खोजिएगा कि आप एज कहाँ है, फेस कहाँ है, तो वो सब देखिए क्या है। ये देखिए ये पूरा वक्र होता है, ये पूरा कर्व होता है, ये प्लेन सरफेस नहीं है, ये क्या है ये देखिए, तो इसको कर्व फेस कहते हैं, ये कर्व फेस है, कर्व फेस, क्योंकि ये पूरी तरह मुड़ा हुआ है, इधर भी कर्व लिख देंगे, इधर भी कर्व लिख देंगे तो आप समझ जाएगा कि दो कर्व सरफेस हो गया, इसलिए एक ही साइड में लिख रहा हूं कर्व फेस। और ये एज हो गया, एज माने किनारा, समझ रहे हैं है? ये फेस हो गया फ्लैट फेस माने चपटा फेस, और कोई बात नहीं। तो इसमें क्या हो गया फेसेस क्या हो गया, दो फ्लैट फेस और वन कर्व फेस। तो फेसेस इसमें हो गया वन कर्व फेस टू फ्लैट फेस, ठीक। और ये इसमें क्या हो गया फेस टॉप फ्लैट फेस एंड बॉटम वन आर आइडेंटिकल इन सेम, ये दोनों बराबर होता है। और एज क्या हो गया टू एज हो गया, किनारा क्या है दो को हो गया, एक नीचे हो गया एक ऊपर हो गया, क्या कहते हैं एज, ईटीजी एज टू एज हो गया। देखिए ये एज लिखा हुआ है तो एक ऊपर एक नीचे, ये भी एज ही है, तो एज हो गया टू एज, वन अपर वन लोअर, एक ऊपर एक नीचे, एज हो गया फेस हो गया एज हो गया। बचा क्या, बचा क्या वर्टेक्स, वर्टेक्स शीर्ष, इसमें शीर्ष नहीं होता है भाई, शीर्ष कैसे दिखाएंगे, कोई रेखा खड़े दूसरे को काट नहीं रहा कहीं, नो वर्टेक्स इन सिलेंडर, सिलेंडर में क्या होता है वर्टेक्स नहीं होता। बढ़िया से समझ लीजिए कि ये कैसा चीज है। अरे ग्लास देखे हैं ना जी, घर में ग्लास है ना जी, या कोई पाइप का टुकड़ा ले लीजिए हाथ में छोटा सा, या देखने के लिए कहीं से जरूरी पाइप में से काट नहीं लीजिएगा विद्यार्थी, बच्चे ऐसा करते हैं कि सर बोले हैं देखने के लिए, तो कोई काम वाला पाइप में से आप काट नहीं लेंगे, यदि टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ होगा पुराना वगैरह तो उसको उठा करके आप देखेंगे, प्लास्टिक का पाइप पानी वाला डिलीवरी वाला भी रहता है और नहीं तो इलेक्ट्रिक वाला भी रहता है, तो उसको आप देखेंगे तो क्या होगा हाथ में पकड़िए, तो जो भाग आप पकड़ते हैं जैसे कॉपी का जो भाग हम पकड़े हुए हैं, ये कर्व पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया कर्व पोर्शन हो गया। ये पोर्शन देखिए, ये खोखला रहे चाहे भरा हुआ रहे, ये फ्लैट पोर्शन है, तो ये फ्लैट पोर्शन एक ऊपर भी है देखिए, ये फ्लैट फेस और एक नीचे भी है, यहाँ भी है, तो दो को फ्लैट फेस हो गया। अब एज देखिए, एज किसे बना, ये घुमावदार बना है ना, चाहे तार का बनाइए चाहे कुछ का बनाइए, तो ये जो घूम रहा है तो एक एज ये हुआ और एक एज नीचे वाला हुआ, तो एक एज यहाँ दिखाया गया, एक एज यहाँ दिखाया गया, दो गो कर्व सरफेस एक ही गो है, अब फेस दो गो हो गया, एक ये और एक ये, इसमें वर्टेक्स नहीं होता है, कहीं शीर्ष नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक। ये वो चलेगा, अब देखिए इसके आगे मैं बता रहा हूं, वो भी आपके लिए नया चीज है, जिसको कहते हैं कोण, COAN, कोण, कोण माने वो एंगल नहीं। आप क्या देखेंगे कि कभी कभी कपड़े का तंबू बनाता है, कपड़े का तंबू, या घर में कीप है ना, कीप जो जिसे तेल या पानी हम एक दूसरे बर्तन में डालते हैं, देखिए ऐसा उसका बनावट है ना, खाली वो यहाँ पर खुला हुआ रहता है, ऐसे खाली रहता है, ऐसे रहता है ना, इसको कीप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कीप कहते हैं किसी कीप, लेकिन इसको ऐसा बनाना है, वैसा नहीं बनाना है, इसको ऐसे करना है, तो इसको ये करेंगे और ये करेंगे। अरे भूंजा खाने के लिए हम लोग कागज का बना लेते हैं ना मोड़ करके, भूंजा वगैरह खाने के लिए कागज का मोड़ करके बना लेते हैं इस तरीके से, इसको शंकु कहते हैं, ये कोण, कोण को कहते हैं शंकु, शंकुनुमा बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर यही स्ट्रक्चर है उसका, ये खाली भी रह सकता है, भरा हुआ रास्ता, आइसक्रीम देता है ना आपको,
आपको आइसक्रीम जो बना के देता है कुल्फी वाला, तो इस तरीके से देता है ना, ऐसे पकड़ लेते हैं उसको खाते हैं, तो यही शेप है। तो इसमें क्या है, फेस क्या है, ये दो फेस है। देखिए ये नीचे वाला फ्लैट फेस, जैसा कि आप पहले देखे थे फ्लैट फेस, और ये कर फेस है। ये सब एक ही रहता है, ऐसे घुमा हुआ ठीक उठाते हैं तो क्या करता है, ऊपर वाला ऐसे देखते हैं तो गोल घुमा हुआ रहता है ना, तो ये हो गया कर फेस। बस एक ही को कर फेस रहता है। आई भार्टिक्स है, देखिए देख रहे हैं ना, बढ़िया से देखिए। तो एक कर्व फेस, दूसरा फ्लैट फेस, दो फेस हो गया, एक वर्टेक्स हो गया, हुआ ना, और एक एज होता है, सर्कुलर एज होता है, कर्व एज। ये एज ये है, देखिए इसको एज कहते हैं। एज फिर से समझिए, जैसे ऐसे मोड़े थे ना, तो ऐसे मोड़े थे तो एक किनारा बना ना, तो उसी ढंग से नीचे वाला किनारा रहेगा इसका, तो एज हो गया, ये फ्लैट फेस हो गया, और ये कर्व फेस हो गया, और ये वर्टेक्स हो गया। तो एक वर्टेक्स, दो फेस, इसमें एक फ्लैट, एक कर्व, और एक एज, ये हो गया कोण के लिए, समझ रहे हैं। तो यहां पर हो गया फेस, हो गया वन कर्व फेस, वन कर्व फेस, वन फ्लैट फेस, और एज वन कर्व एज, और वर्टेक्स वन वर्टेक्स, ठीक। तो एक कीप था, शंकु था, बनाने के लिए आपको कुछ नहीं है। देखिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताते हैं कि आपको लगेगा कि कहां से उठा के आप लिया है सर, ये सर्किल है ना, ये तो सब लोग जानते हैं सर्किल को। अब आप सर्किल में से कोई टुकड़ा काट लीजिए, ऐसे इसको चार भाग में आप बांटे, फिर आपको लगेगा कि कोई टुकड़ा कैसे काटे। आप तो आप इसको काट सकते हैं ना, काट सकते हैं ना जी। मान लिया जाए कि हम इस टुकड़े को अलग किए, तो इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो कैसा दिखेगा, देखिए इसको अलग करेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, आर्क से, आर्क से, आर्क से दिखेगा ना। अब इसी को हम ऐसे उलटते हैं, देखिए बढ़िया से, ये रेडियस है, रेडियस है, रेडियस है, ऑल रेडियस आर इक्वल, ये भी आर, ये भी आर है, तो ऑल रेडियस आर इक्वल। तो इस रेडियस को ऐसे कर दिए, इस रेडियस को ऐसे कर दिए, वही रेडियस है, आई जो ई जो कर्व है इसको ऐसे कर, क्या निर्माण हुआ कोण का, कोण का निर्माण हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये है ना, इसमें से आप ऐसे करके काट लीजिए, यहाँ इसका सेंटर है, ये को ऐसे काट लीजिए, बाकी को आप हटा दीजिए, देखिए हो गया। तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि कैसे बनता है, तो इस तरीके से आप पढ़िएगा देखिएगा। रीड एंड स्केच दी सिलेंडर एंड कोन विद टर्म, वही हुआ फेस वगैरह। आपको स्केच का मतलब कि बनाना है, खींचना है, ये शब्द हुआ आज के लिए, इतना ही।